टॉयलेट बनाए थे पहले, वो पुराना होगा, उसको गिराए, मगर वहां पर गेट हम लोग बाद में लगाए बोल के बोल रहे, तो गेट वाकई उसके रास्ते दूसरे भी है, मगर वहां पर वो गेट कने अब जो टॉयलेट बना रहे थे तो जो रुका है उसके लिए हम लोग अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है उसका, हम लोग भी कोर्ट को गए ना उसके लिए, कोर्ट क्या ऑर्डर देता देखेंगे हम, क्योंकि वही बनाना जरूरी नहीं है ना, जगह और भी हटा के बना सकते, जगह और भी आजू बाजू रह सकती है, गिरफ्त के पास ही टॉयलेट ला के बनाना जरूरी नहीं है ना। 101 एजेंट थे बोर्ड मीटिंग के, मीटिंग दो महीने में हो रही है, और दूसरी बात ये 8 मुतवलीस, 36 मैनेजिंग कमेटी मस्जिदों के तेलंगाना स्टेट में था थे, और 3 जो है लीज पे देने के लिए बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए, और 4 जो है 6 जो है परमिशन कंस्ट्रक्शन के दिए, और सबसे पहली खुशी की बात ये है कि हमारी जो बागैम की जो मस्जिद है रॉयल मॉस जो है उसके लिए भी आज बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करें हम कि वो मस्जिद हैदराबाद की नंबर 1 मस्जिद बनेंगी हो, क्योंकि अभी हालांकि मैरिटी वेलफेयर में है वो, मगर हम लोग उसको जो है ना पैसे खर्चा करके बोर्ड से जो है ये मस्जिद पूरी टॉयलेट्स वगैरह पूरे 5-स्टार है, और पूरे फॉल सीलिंग करके पूरे शेड वेड जो भी है उसको ये करके जो है ना उसको क्लास तरीके से जो है ना हम लोग जो पुराना एक्सटेचर है उसको वैसी रख के जो शेड जो बाहर का है उसको ये करा के चेंज करके हम लोग उसको ज़बरदस्त तरीके से जो है फॉल सीलिंग हुआ, तो एसी का भी प्रोग्राम है हमारा, और इंशाल्लाह ताला उसको बोर्ड ने अप्रूवल ले लिए हम लोग, चाहे 1 करोड़ लगो चाहे 80 लाख लगो जो भी लगो उसको अच्छे से अच्छा बनाने का परमिशन ले लिए, और इमाम बाड़े का भी जो पेंडिंग है, इमाम बाड़े का भी जो कंस्ट्रक्शन कराने का वो भी जो है अल्लाह के करम से वो भी इसके साथ साथ वो भी अल्लाह चाहे तो वो भी काम शुरू करा देंगे हम, जो भी काम पेंडिंग है कंस्ट्रक्शन के हो, और कंस्ट्रक्शन के 4 से 5 परमिशन दिए, और रजिस्ट्रेशन भी 4 कैंसिल कराए हम लोग परसों, किधर किधर के अत्तापुर में कैंसिल कराए, बल्ला घोड़े में कैंसिल कराए, तो ऐसे जहाँ जहाँ भी अगर गलत रजिस्ट्रेशन करा रहे लोग तो उसको कैंसिल करा के वक्फ प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को लीज दे सकते हैं हम, तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी को जितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो मनम राजम जो कर रहे थे जो इंजॉयमेंट कर रहे थे, आज लैंड ग्रैबर्स भी जो है ना परेशान है, कई लैंड ग्रैबर्स सरेंडर होके हमारे को लीज दे बोल के फिर रहे, तो हम वैसा लीज भी नहीं, हम लोग जो भी लीज देना है तो उसकी पूरी मार्केट रेट क्या है वो क्या है देखकर हम लोग बोर्ड में रख के हर चीज बोर्ड से करेंगे जो भी है, और ऑलवेज वफ रहती क्यामत तक वफ रहती वफ प्रॉपर्टी, अगर टेम्पररी रहता उसके बाद में उसको कैंसिलेशन बराबर होता हो रजिस्ट्रेशन का, चार कंस्ट्रक्शन का रेजोल्यूशन पास करी अपने गवर्नमेंट भी जो है कैबिनेट में भी ये करके जियो निकाले, और सबसे पहले तो असेंबली में बिल पास करे केसीआर साहब, रेवेन्यू एक्ट में जो ना वफ को भी इंक्लूड कर दिए जो पहले नहीं था ऐसा, कभी कोई इंडिया में कोई गवर्नमेंट नहीं करी, केसीआर साहब करे वो काम, मैं केसीआर साहब की भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा, क्योंकि बम्पर मेजोरिटी से जीत के एमएलसी के लिए कविता मैडम भी, मैं उनको भी मुबारकबाद देते हुए, और आज 101 एजेंडे में जो है ना जो जेन्युइन काम था हम उसको बराबर आज मुतवलियों को भी जो है ना 8 मुतवलियों को अपॉइंट करें, 36 मस्जिद कमेटियां मैनेजिंग कमेटियां बनाए, और 6 जो है ना परमिशन दिए ग्रेवियार्ड्स के कंपाउंड वॉल के लिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ जहाँ भी कुछ काम कराने का है, तो ऐसे कई चीज़ हम लोग ये करें, और बाजू की बिल्डिंग भी जो है जो इनकम्प्लीट है उसको भी हम लोग जो है ना कल भी मीटिंग हुई डेवलपमेंट कमेटी की, उसमें भी हम लोग डिसीजन लिए के उसको कंस्ट्रक्शन करके जो है ना ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल दे देंगे, शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं, और सेकंड थर्ड फ्लोर से जो है ना ऑफिसेस मैनेटी वेलफेयर के 2 फ्लोर में आ जाते ऑफिसेस, और भाई की बिल्डिंग भी वो कमर्शियल ऑफिसों को देंगे, क्योंकि उससे रिवेन्यू बढ़ेगा वकपोर्ट का, और जहाँ जहाँ भी हमारे करीमनगर में महबनगर में जहाँ जहाँ भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका भी एक रेजोल्यूशन लिए कि वो इनकम हमको बराबर नहीं आ रही, तो उसके लिए एक फ्लाई स्क्वाड ये करके
सीओ को, सीओ की निगरानी में वीक में एक बार जाके जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट को सीओ भी जो है ना देख के जो है ना रेंट फिक्सना, रेंट के लिए हमारे इंस्पेक्टरों को भी चेंज करना है, इंस्पेक्टर्स भी जो है ना अब पूरी शफलिंग करना है, सिटी के डिस्ट्रिक्टों को देना है, डिस्ट्रिक्टों के सिटी में लाना है इंस्पेक्टरों को भी, ये सब पूरे चेंजेस है। और इंशाल्लाह ताला क्योंकि गवर्नमेंट इतना काम कर रही है तो हम लोग भी जो है ना गवर्नमेंट के साथ रह के गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हमारे वफ प्रॉपर्टी जा जाए उसको कैसा हमारे रेवेन्यू एक्ट में इंक्लूड करना है वो भी उसकी बुकलेट बना के हम लोग 35 आदमी की कमेटी डालें, और वो 35 आदमी की कमेटी जो है ना यही काम में रहेंगी कि मतलब वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ है, और रेवेन्यू एक्ट में आना, पट्टा पानी जो पहले लोग करा लिए अभी एक नई स्कीम भी जो निकली जो चल रहा अभी तो उसके लिए भी जो है ना हम लोग हमारी प्रॉपर्टी को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए केसीआर साहब की हेल्प लेके गवर्नमेंट की हेल्प से जो है ना केसीआर साहब भी वफ प्रॉपर्टी को केसीआर साहब को साथ देके केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग पूरी प्रॉपर्टी सेफ करेंगे। इसको सेफ करने के बाद ओपन ऑक्शन करके लीज देते रहेंगे, उसकी लीज की इनकम आने से जो है ना पूर पीपल को गरीब आवाम के लिए जो है ना खिदमत कर सकते हैं, गरीब आवाम को जो है ना जो लोग वफ करके गए मंशा वफ के हिसाब से अगर सही यूटिलाइज करे तो कोई भी गरीब नहीं रहता इंशाल्लाह, हर कोई जो है ना सुकून में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज तक वफ की इनकम जो है ना जनरेट करने को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर कई लैंड ग्रैबर्स, कई लैंड माफिया ये लोग जो है ना जमीनों पे कब्जे करके डॉक्यूमेंट चेंज करा के जो है ना वफ प्रॉपर्टी के गजीटों को गायब करा के ये लोग जो है ना अपना अपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कर लिए, मगर उसको भी हम लोग कैंसिल कराएंगे। गवर्नमेंट ओपन बोली केसीआर साहब, और हम लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी हम लोग पूरे रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में भी लेटर दे चुके हैं, वफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। हाल भी वफाफ का है बोल के मानना शाली मंडे उसकी गजट निकाल रहे हैं, गजट में तो गजट नहीं है हमारे पास, वो गजट निकालेंगे अगर है तो बोलेंगे, अभी तो हमारे को उसका नहीं मिला अभी या गजट में तो नहीं निकला होगी। अच्छा वो चार जो कंस्ट्रक्शन का है उसको परमिशन दिया सो उसके नाम आप बोल दीजिए। ग्रेवयार्ड के अलग अलग है, वो इमाम जमीन का एक है फिर, और यहाँ का भी है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में है, तो छः जगह दिए हम लोग परमिशन। सर कमेटी का क्या रोल रहेगा? लोग पूरे कलेक्टर ऑफिसों में RDO को उसको और GHMC जहाँ भी म्यूनसिपाल्टी है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में हम लोग ये पूरा तकसीम करे हैं, और जहाँ जहाँ नहीं मिली वहाँ पर भी जो है काम जारी है इंशाल्लाह। वफ प्रॉपर्टी पहले इजी गोइंग समझते थे, लावारिस समझते थे लोग, पर वफ प्रॉपर्टी जो है ना KCR साहब आने के बाद गवर्नमेंट की सपोर्ट, पुलिस की सपोर्ट और RDO कलेक्टर की एलओ की सपोर्ट से जो है ना अभी हमारी प्रॉपर्टी हमको जो लोग बेच लिए वो भी हमको रिटर्न आने की पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस पर सीरियस है, गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड दोनों मिलके, वक्फ बोर्ड भी एक गवर्नमेंट है, तो KCR साहब और KTM 200 गज 100 गज ऐसा नॉमिनल किराए पे जो है देंगे हम लोग गरीब आवाम के लिए, जो हेल्प कर सकता बोर्ड गवर्नमेंट KCR साहब से मशवरा करके KCR साहब KTR साहब से हम लोग बराबर जो है ना ये जमीन देने का काम चालू करेंगे। अगर ऐसी रखेंगे आज ये बोर्ड है हम है कल नहीं है, दूसरे आईएएस वाले कुछ भी कर सकते, तो लिहाजा हम रहे तक इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम बराबर वफ प्रॉपर्टी को जो है ना गरीब आवाम को कैसा फायदा पहुंचा सकते वो बराबर काम पूरा करके रहेंगे हम लोग। और ये शाही मस्जिद भी जो है अल्लाह चाहे तो शानदार हैदराबाद की नंबर वन मस्जिद एसी मस्जिद बनाए के रहेंगे इंशाल्लाह। वो तो केस बुक होगा उनके ऊपर, सुल्तान साहब थे उनके बेटे जो खादर मुहिद्दीन है उनका तो इसमें कोई रोल नहीं होगा ना, उसमें रोल नहीं है उनका, उतने दिन से नहीं आ रहे थे, इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे आने की, बाद में जैनिंग रिपोर्ट दिए बोल के मालूम हुआ तो उनको कल बुलाए, कल बुला के हम बात करेंगे क्यों नहीं आ रहे थे, क्या एक साल से उसकी रिपोर्ट होना ना, ये घर का ध्यान रखना, थोड़े जब भी आए जब भी चले गए सब जब ये बोर्ड है ये कोई पुरसाने हल है नहीं है, मतलब वो पहले का बोर्ड अलग था, वो आप पूरा हर चीज स्ट्रिक्टली जो है फॉलो कर रहे हैं हम लोग, अभी अंबक भी नहीं कर सकते। हाँ ग्रेवयार्ड जहाँ का वही रहता उसको हटा नहीं सकते, ग्रेव रहता उस खबर के अंदर, खबर को नहीं हटा सकते आप, अगर बाउंड्री है बाउंड्री को चलो ये करके बहुत इम्पोर्टेंट है तो बात कर सकते उसकी, मगर ग्रेवयार्ड को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, इंडूमेंट का भी रहो या वफ का भी रहो टोटल ग्रेवयार्ड इज ग्रेवयार्ड, क्या मतलब ग्रेवयार्ड रहता हो खबर ये सब इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते।